चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गवर्नर जनरल वॉइस रॉय, जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ उनके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। अदरवाइज तो वैसे हमें जरूरत नहीं है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको कुछ लगता है अभी तक जो हमने पढ़ा कुछ में इसमें डाउट है तो यू कैन रेज ए क्वेरी। वैसे हमने सारा डिस्कस कर लिया है एंड दिस वुड बी द लास्ट सेशन फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि कौन लोग थे ये? देवर द रूलर्स ऑफ इंडिया, जिनको नाम दिया गया। बेसिकली देवर द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। जैसे आज प्रेसिडेंट है तो उस टाइम गवर्नर जनरल था, वॉइसरॉय उसको कहा करते, दोनों अलग अलग नाम हैं उसके। वॉइसरॉय 1857 ऑनवर्ड कहा गया, उससे पहले गवर्नर जनरल। और किसके थे? द ईस्ट इंडिया कंपनी, सब्सिक्वेंट टू इट वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो कौन थे? कॉलोनाइजर्स थे, वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स थे। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कॉलोनाइज किया है, इतना बड़े। इसके बारे में कहा गया था कि सन नेवर सेट, ऐसे ही था ना। क्यों क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उनकी कॉलोनीज या उनकी एम्पायर इतनी बड़ी थी, अगर एक जगह रात है तो दूसरी जगह उस टाइम सुबह हो चुकी होती थी, तो सन तो कभी सेट नहीं होना उनके एम्पायर में। सो दिस इज द इशू। चलिए, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन कौन से थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सारा कुछ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले बना। हमने बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोगों ने, लाइक एक सुना होगा वॉइस रॉय, एक सुना होगा गवर्नर जनरल, है ना। उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। इनिशियली इट वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उससे पहले था इट वॉज गवर्नर ओनली। गवर्नर पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, थर्ड हुआ इट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लास्ट में इसी को कहा गया है वॉइस रॉय। तो ऐसे नॉमिनिक्लेचर चेंज हुआ है। डिफरेंस क्यों था? क्योंकि स्टार्टिंग में जो थे देवर थ्री प्रेजिडेंसीज इन इंडिया जो ब्रिटिशर्स की थी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश की थी, तीन अलग अलग हेडक्वार्टर थे। वन वॉज एट द कैलकटा, बंगाल का आप कह सकते हैं, है ना। दूसरा एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। ये आप लोगों को पता होगा, मैंने डिस्कस भी किया होगा। तीन अलग अलग हेडक्वार्टर, तीनों के अपने क्या थे? गवर्नर्स थे, राइट। यही था इशू, सभी को पता है। उसके बाद हुआ क्या है? ओके सक्षम, ठीक है ठीक है। चलिए, जब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या कैप्चर किया था उन्होंने और कौन सी बैटल से कैप्चर किया था? इट वॉज बंगाल और बैटल ऑफ बक्सर से किया था। सभी को याद होगा बक्सर के थ्रू बंगाल को कैप्चर किया गया है। और उसके बाद वो कब किया गया? 1765 में क्लाइव को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। आपको पता होगा क्लाइव को वहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। और 1773 इज़ द पीरियड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो तब तक कौन है? जब तक वो एक्ट नहीं पास किया गया, क्योंकि अब मैं इसलिए बातें कर सकता हूँ क्योंकि ये एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को इसकी नॉलेज होगी जहाँ तक मुझे पता है, राइट। मेजॉरिटी ने पढ़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, और वैसे भी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ ना आए। जब बंगाल कैप्चर किया तो वो थे गवर्नर, बॉम्बे कैप्चर किया बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास किया मद्रास का गवर्नर। जब उस सारे को कंट्रोल किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अब क्या हो गया? अब ये प्रेजिडेंसीज वर सबॉर्डिनेटेड टू द कैलकटा प्रेजिडेंसी। अब क्या हो गया? वो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाद में इंडियनाइज इसी को किया गया, कि उसी को नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट के बाद क्या?